हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको को पीजीटी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ये सारे प्रश्न पूर्व वर्षों में आए हुए हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर ज़रूर करके याद कर लीजिए। इन प्रश्नों को छोड़ने से आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, नगरवाद एक जीवन दर्शन है कि अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए लुई वर्थ, बी बर्गेल, सी बर्जेस, डी मैकेंजी। तो इस नगरवाद एक जीवन दर्शन की धारणा दी थी ए लुई वर्थ ने। लुई वर्थ ने, यानी कि इसका आंसर है ए। इसमें उन्होंने शहरी जीवन शैली के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, यह कथन किसका है, जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ अनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं? ए एन के दत्त, बी जी एस घुरिए, सी सी एच कूले, डी हर्बर्ट रिजले। तो इसका आंसर है सी सी एच कूले, है ना? इसका प्रश्न है सी एच कूले। उन्होंने कहा जब एक वर्ग अनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। उसी को थोड़ा जोड़ तोड़ के मोड़ के इस तरीके से ये सेंटेंस कथन कहा गया है, लेकिन ये सी एच कूले से ही संबंधित है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, IRDP समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था? ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1985। तो इसका आंसर है ए। तो ये 2 अक्टूबर 1980 को अमल में लाया गया था IRDP। इसको फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। एक तरफ तो ऑथर्स के नाम है, लेखक के नाम है, दूसरी तरफ उनकी बुक्स हैं। तो देखिए पहला है लुई ड्यूमा। लुई ड्यूमा की बहुत फेमस बुक है, लुई ड्यूमा की है होमो हेरार्किस। दूसरी है योगेंद्र सिंह बी, तो इनकी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। केम पन्नीकर, सी केम पन्नीकर की है। तो अभी इसी से देख लेते हैं, 3-4, 3-4 के हिसाब से हमारा बी हुआ ऑप्शन, है ना? 3-4 के हिसाब से बी हुआ। सी का 1, ये देखिए हिंदू सोसाइटी एट दी क्रॉस रोड केम पन्नीकर, और डेनियल थार्नर की हुई द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सूचियों का मिलान करें, कुछ इधर टर्म्स दिए हैं और उनसे संबंधित उनका क्या मीनिंग है उसको मिलान करना है। तो स्थानीयकरण पहला टर्म है, स्थानीयकरण। स्थानीयकरण का मतलब है कुल लोकलाइज्ड प्लेस। स्थानीयकरण यानी कि ये देखिए लघु परंपरा से संबंधित है। 4 सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन, तो होगा वृहद परंपरा, बड़े स्केल पे कोई ट्रेडिशन। संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन एम एन श्रीनिवास का, उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण। ये देखिए आधुनिकीकरण, तो आधुनिक युग से मिल ही रहा है, तो मतलब हुआ ए का 4-3, 4-3-1-2, सी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? ए पेरेटो, बी जी मोस्का, सी राइट मिल्स, टी बी बाटो मोर। तो इसका आंसर है बी जी मोस्का। जी मोस्का ने ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर सभी समाजों को 2 वर्गों में बांटा है, एक तो रूलिंग क्लास, दूसरा
रूल्ड क्लास यानी एक तो शासन करने वाला वर्ग और एक जिस पे शासन किया जा रहा, शासित वर्ग। ठीक, तो इसका आंसर है 6 का बी, जी मोस्का। और पेरेटो का था इलाइट्स से संबंधित था, इलाइट्स यानी कि अभिजन पर केंद्रित उनका था सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी? तो फर्स्ट प्रिंसिपल लिखी है ए विलियम गुड, बी समनर, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी किंग्सले डेविस। तो ये बुक है आपकी हर्बर्ट स्पेंसर सी। हर्बर्ट स्पेंसर की और भी बुक हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल जो पब्लिश हुई 1862 में, दूसरी द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में, तीसरी डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी जो कि 1890 में पब्लिश हुई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक्स फिर से अगेन बुक का है, राइटर के बारे में पूछा है। तो ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी सी एच कूले, सी समनर, डी जासी होमन्स। तो द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक हैं आपके जासी होमन्स डी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो सामाजिक विघटन जैसे नाम से ही विदित है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। तो ये किसका है? ए पी एच लैंडिस, बी थॉमस एवं नैनकी, सी एलियट एवं मैरिल, डी आर ई एल फेरिस। तो इसका आंसर है सी एलियट एवं मैरिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? तो ए पी सोरोकिन, बी आर के मर्टन, सी एम ट्यूमिन, डी टी पार्सन्स। तो मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा दी है आपके आर के मर्टन ने, यानी कि आंसर होगा बी। इसमें उन्होंने कहा जब सब कुछ को सम्मिलित करते हुए किए गए व्यवस्थित प्रयत्नों के जो बीच में स्थित होते हैं तभी इसको कहा मध्य स्तरीय सिद्धांत, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों का और बड़ी से बड़ी लेवल की, हाई लेवल की लो लेवल की सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और उसमें जो बीच का सिद्धांत, बीच का जो रास्ता निकाला जाता है उसे कहते हैं मध्य स्तरीय सिद्धांत। यह है बी मर्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? यानी कि किसने कहा है कि संघर्ष जो है सामाजिक कार्य को करने में सहायता करता है? तो देखिए ए मार्क्स, बी मर्टन, सी पार्सन्स, डी कोजर। तो इसका आंसर है डी कोजर। खुजर ने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष द्वारा ही होती हैं वह आवश्यकताएं पूर्ति। तो जब आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तभी समाज व्यवस्थित बना रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो इसका मतलब है व्यवस्था की निरंतरता में संघर्ष क्या है, प्रक्रियात्मक फंक्शनल रोल अदा कर रहा है, यही समझाया है इन्होंने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? ए मैकाइवर, बी नैडल, सी मैक्स वेबर, डी जिन्सबर्ग। तो समिति सदस्यता इंगित करती है और संस्था सेवा की विधि, मतलब अगर हम कोई कमिटी, समिति मतलब कोई कमिटी बनाते हैं तो उसमें ये नहीं कि उस कमिटी में सभी लोग हैं, कमिटी में कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं, यानी कि वो उसमें उसकी सदस्यता इंगित हो रही है कि यही लोग हैं कमिटी में, बाकी नहीं है। और संस्था ऐसा है जिसमें कोई संस्था ऐसा है वो कार्य विधि को दिखाता है, जैसे विवाह एक संस्था है तो मतलब हिंदू विवाह एक कार्य संस्था है तो दिखाती है कि हिंदू विवाह किस तरीके से होता है,
सेवा की विधि या साधन इंगित करता है। तो ये किसने बताया है? ये बताया है ए मैकाइवर ने। तो इसका आंसर है ए मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। यहाँ किसकी परिभाषा है? ए आगबर्न तथा निमकाफ, बी एच एम जॉनसन, सी बोगार्ट्स, डी के डेविस। तो आपको मालूम है समाजीकरण यानी सोशल होने का तात्पर्य क्या है? आप हमें समाज में जो जैसे समाज का रहन है, जैसे उसमें समाज में रहने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, रीति रिवाज, परंपराएं, वो सब सीखना है। जब सामाजिक होंगे तभी सीखेंगे। तो वही इसमें कहा है, समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। तो इसका आंसर है बी एच एम जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ए ई दुर्खिम, बी सी एच कूले, सी के यंग, डी टी एस मदान। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया ए ई दुर्खिम ने। दुर्खिम ने ही जो है अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक चेतना के आधार पर सामाजिकरण संबंधी अपने विचार स्पष्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी काशी विद्यापीठ, डी गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर है बी, है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय। यूपी में सबसे पहले 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता दी गई थी। यानी कि कोई नया समाजशास्त्र का डिपार्टमेंट नहीं बना था, उसी अर्थशास्त्र में ही समाजशास्त्र को इंक्लूड कर लिया गया था। और उस टाइम डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को इसका विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखकों के नाम बताइए। ए बर्जर एवं लकमैन, बी मार्टन एवं रासी, सी पार्सन्स एवं सेल्स, डी मार्क्स एवं एंजल्स। तो इसका आंसर है ए पीटर बर्जर एवं लकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक लिखी है। ए योगेश अडर, बी एम एन श्रीनिवास, सी के एन शर्मा, डी बी आर चौहान। तो ये पुस्तक है आपकी बी एम एन श्रीनिवास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए इमैनुअल दुर्खिम, बी मैक्स वेबर, सी ई बी टाइलर, डी एस जे फ्रेजर। तो इसका आंसर है सी ई बी टाइलर। ई बी टाइलर ने आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनके सिद्धांत को आत्मवाद या जीववाद यानी एनिमिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक का लेखक, ए पी एच प्रभु, बी योगेंद्र सिंह, सी राधाकृष्णन, डी पी वी काणे। तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं आपके डी पी वी काणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? ए एस पी नागेंद्र, बी राजबली पांडे, सी जी एस भट्ट, डी राजेश्वर प्रसाद। तो इसके लेखक हैं आपके बी राजबली पांडे। और मैं इसी के साथ ये वीडियो आज खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।